तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माफ करना पर अब 2021 में तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ घर से, प्लीज घर से, क्या जिंदगी से निकल जाओ भाई। बुरा मत मानना लेकिन दिल की बातें होठों पे आई गई आज के, मुझे नफरत हो गई है तुमसे क्योंकि तुम मेरे खुशियों की दुश्मन हो, मेरे सुख की दुश्मन। अरे आने से मेरा जीवन कड़वा हो गया है। नहीं अब तुम नहीं रुक सकती। आज से मैं अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करूंगा, मजे से जीऊंगा, अपना सुख पहले देखूंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा, मसालेदार खाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम्हें जाना ही होगा, अब तुम्हें जाना ही होगा। आज ही तुम्हें भेजने का इंतजाम करता हूं, अभी रद्दी वाले को बुलाता हूं और कहता हूं लेके जाएंगे। डायट की किताबों को घर से गुड बाय करने का सोचा भी तो ये अंजलि ना तांडव करने लगेगी। अच्छा अंजलि तांडव करेगी, मतलब हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है ना। अरे अंजलि मन में तुम्हारे दया भाव है या नहीं है? ये 2020 पूरी दुनिया के लिए वैसे ही भारी निकला है लेकिन तुम्हारे इस डाइट फूड की वजह से मेरे लिए तो भयंकर निकला है, खतरनाक निकला है। गलत, मेरी डाइट के वजह से 2020 में आप तंदुरुस्त रहे हैं। अंजलि तंदुरुस्त नहीं, मन दुरुस्त होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए। क्या करूंगा ऐसे तन का, अरे मुझे मेरा मन स्वस्थ चाहिए, मन मस्त चाहिए। अरे ये डाइट फूड खा के ऐसा लगता है कि बीमार हूँ मैं, ये घास फूस चल रहा हूँ। ये सब आपके मन का वहम है, पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। जनाब अगर आपको हिंदी समझ में ना आया हो तो मैं इंग्लिश में समझा देती हूँ। A healthy body possesses a healthy mind. और अच्छे और लंबे जीवन के लिए एक अच्छा डाइट होना बहुत जरूरी है। अरे ये गलत फहमी है तुम्हारी अंजलि, गलत फहमी कि लंबी आयु के लिए डाइट जरूरी है। मेरे परिवार में मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे चाचा, अरे कौन कौन नहीं, सारे रिश्तेदार, अरे कितना कुछ खाते थे सब लोग, मिठाई खाते थे, तली हुई चीजें खाते थे, कचौरी मिर्ची बड़ा कोफ्ता न जाने क्या क्या, और भुजिया भुजिया सब। और एक एक व्यक्ति 90 साल 100 साल पूरा जीवन तंदुरुस्ती से सेहतमंद जिया है। पता है मुझे, और ये भी पता है कि वो किसान थे, पूरे दिन परिश्रम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे। और आप तो मेहनत करते नहीं, मतलब परिश्रम करते नहीं, पूरे दिन ऑफिस में एक जगह बैठकर आप अपना काम करते हैं। अरे चलना फिरना तो दूर की बात है, आप तो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस भी रिक्शा पकड़ के जाते हैं, तो फिर आपको डाइट की सख्त जरूरत है। ठीक ठीक, कल से मैं ऑफिस पैदल चल के जाऊंगा लेकिन ये डाइट खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप ऑफिस चल कर भी जाए और ऑफिस से घर भी चल कर आए ना, फिर भी मैं आपका डाइट बंद नहीं करूँगी। अंजलि बंद करना पड़ेगा। नहीं करूँगी। बंद करना पड़ेगा। नहीं करूँगी। बंद करना पड़ेगा। बंद नहीं करूँगी। बंद करना पड़ेगा। अरे कर दिया, कर दिया, ये लीजिए दरवाजा मैंने बंद कर दिया बस। जेठालाल यहाँ दरवाजा बंद करने की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ मेरे किस्मत का बंद दरवाजा खोलने की बात हो रही है। किस्मत का दरवाजा खोलने की अगर बात हो रही थी तो फिर बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ऐसा क्यों बोल रहे थे? सब जाता हूँ, बंद करना पड़ेगा मतलब डाइट फूड बंद करना पड़ेगा। हाँ मेरे डाइट फूड बंद करने की बात हो रही थी, अगर मैं डाइट फूड खाना बंद करूंगा तो ही तो मेरे किस्मत का बंद दरवाजा खुलेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो डाइट फूड के बारे में बात हो रही थी। अब मैं जरा दरवाजा खोल देता हूँ। अरे यार जेठालाल जब बंद है तो रहने दो ना भाई, बंदी। पक्का? पक्का मतलब? हाँ नहीं मैं आया तो अभी खुला था ना, तो खोल देता हूँ ना। ठीक है खोल दो और उसी खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल जाओ। ये क्या बात हुई मेहता सर, नए साल के पहले दिन मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर करने आया और आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे, ये तो वही बात हो गई ना, बड़े बेआबरू होके तेरे खूंटे से हम निकले बेवफा। खूंटे से नहीं, कूचे से, कूचे से, और उसमें बेवफा नहीं है शेर है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले बस। आप कूचे कूटे जो भी है आप निकाल तो रहे हैं ना। तो मैं क्या करूं जेठालाल, निकालू नहीं तो? बात चल रही है मेरे किस्मत के दरवाजे खोलने की, तुम इस दरवाजे के पीछे पड़े हुए हो। अरे लेकिन किस्मत का दरवाजा आपको और कितना खोलना है, भगवान ने आपको अंजलि भाभी जैसे सुंदर सुशील सुघड़ पत्नी तो दी है। अरे जेठा भाई इन्हें कहाँ कदर है सुंदर सुशील सुघड़ पत्नी की, देखिए ना मैं इनकी सेहत का कितना ध्यान रखती हूँ, हर तारीफ तो दूर की बात है, ये तो ताने ही कसते रहते हैं मुझ पर।
अभी देखिए मेरी डाइट की किताबें रद्दी वाले को दे रहे थे। तो क्या करूं, इनकी वजह से मेरा जीवन रद्दी हो गया है। तारक आप अंजलि बाबी मेहता सर, आप दोनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। नए साल की आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल यानी कि 2021 का साल आप दोनों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। चलिए मैं यही कहने आया था, मैं चलता हूँ। ओके। अरे रुको भाई रुको। अरे कमाल है मेहता साहब, आप भी कभी कहते हो खुला दरवाजा उसी में से बाहर निकल जाओ, कभी कहते हो रुको। एक नक्की करो ना क्या करना, क्या रुकू क्या जाऊं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि रुको, और जब तक मैं निकलने का नहीं कहूँ ना तब तक मत जाओ। आप निकलो। जेठालाल खबरदार जो तुम यहाँ से निकले तो। अंजलि मैंने ये कहा कि जब तक मैं जेठालाल को निकलने का ना कहूँ वो यही रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा। तुम कौन होती हो जेठालाल को इस घर से बाहर निकालने वाली? जेठालाल तुम यही रुकोगे? अरे पर रुक के क्या करूं मैं तो साहब, आप दोनों के बीच में बहस चल रही है, मैं रुक के क्या करूं, मैं निकलता हूं। फैसला किस बात का? इनकी तंदुरुस्ती का। कह रहे हैं कि मैं नए साल में डाइट फॉलो नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बिना डाइट के भी आदमी तंदुरुस्त रह सकता है, जिसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने खड़ा है, स्वयं जेठालाल। जेठालाल क्या क्या नहीं खाता, क्या क्या नहीं पीता है। जेठालाल जलेबी खाता है, पापड़े खाता है, इतने मसालेदार खाने खाता है, इतनी मसालेदार चाय पीता है, और वो केसर फलूदा भी खाता है गोडाउन के अंदर। उसके बावजूद भी जेठालाल तंदुरुस्त है कि नहीं? नहीं। I'm sorry to say जेठा भाई, पर डाइटिंग की तो आपको भी सख्त जरूरत है। अरे जेठालाल 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 कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, रुको ना, जा कहाँ रहे हो भाई? अभी यहाँ रुकना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, आपको बचाने के चक्कर में मैं फंस रहा हूँ। अंजलि बाबी मुझे डाइटिंग करने का बोल रहे हो, अरे मेरा डाइटिंग से क्या लेना देना भाई? नहीं कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा जेठालाल, बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम। कभी तो आएगा ये ऊंट पहाड़ के नीचे, जाना चाहते हो ना तुम? प्लीज प्लीज गो, दरवाजा खोल दिया मैंने तुम्हारे, प्लीज। नहीं नहीं जाओ। अंजलि भाभी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तो डाइट फूड के प्रोत्साहनकारी है, आपको डाइट फूड बेहद पसंद है, तो मान लीजिए कोई आपको रोज मसालेदार खाना खाने को दे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं मेरे लिए तो ये जुल्म है। बस तो मेहता साहब के लिए भी रोज डाइट फूड खाना एक तरह का जुल्म ही है। बिल्कुल जुल्म है, क्या एग्जांपल दिया जेठालाल, वाह। गलत एग्जांपल दिया है। तुम्हें गलत मानना है गलत मानो, जो मानना है मानो, लेकिन नए साल के पहले दिन मेरा ये प्रण है कि मैं डाइट फूड नहीं खाऊंगा। और मेरा भी ये आजीवन प्रण है कि इस घर में डाइट फूड के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है अंजलि, तो फिर इस घर में या तो मैं रहूंगा या डाइट फूड। डाइट फूड तो रहेगा, आपको रहना है या नहीं क्या सोच लीजिए। ठीक है नहीं रहूंगा इस घर में, मैं जेठालाल के घर में रहूंगा। चलो जेठालाल। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए घर क्यों छोड़ रहे हैं आप? तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में रहूं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, लेकिन बापूजी को अगर पता चला ना कि मैंने आपका साथ इसमें दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो ठीक है ना, दोनों भाई मिलकर क्लब हाउस में रहेंगे। अरे भीड़ा थोड़ी परमिशन देगा क्लब हाउस में रहने की। एक मिनट जेठा भाई, इनके डाइट के चक्कर में आप घर क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ अरे मेहता साहब, यहाँ मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप मुझे मेरे ही घर से बाहर निकलवा रहे। अरे मैं कब बाहर निकल रहा हूँ जेठालाल, मैंने कब कहा कि तुम घर से बाहर निकलो? तुमने कहा कि यदि मैं तुम्हारे घर चला तो चाचा जी तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है तुम तुम्हारे घर पे रहो, अंजलि जी आप अपने घर में रहिए, मैं किसी रिश्तेदार के घर चला जाऊंगा। अच्छा कितने दिन रहेंगे रिश्तेदार के घर? जितने दिन रखेगा रिश्तेदार उतने दिन उसके घर रहूंगा, और जब कह देगा जाने के लिए तब होटल चला जाऊंगा। कौन सी? क्यों तुम्हें चलना है मेरे साथ होटल में? नहीं नहीं मैं क्या, अरे यार आप फिर मुझे मेरे घर से बाहर निकलवा रहे हैं। तो फिर क्या पूछ रहे हो तुम, कौन सी होटल, क्या फर्क पड़ता है कौन सी होटल, क्यों पूछ रहे हो तुम? मेरे पूछने का मतलब ये है कि आप
कौन सी भी होटल में आप रहोगे खर्चा होगा, फिर आप होटल में रहोगे तो खाना भी बाहर का खाएंगे वो खर्चा होगा, और रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो हो सकता है आपको मतलब आप बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर का खर्चा होगा, तो आपका तो पूरा पगार इसमें ही चला जाएगा। तो ठीक है ना, मैं गांव चला जाऊंगा। किसके? तुम्हारे। मेरे गांव? अरे फिर तू कैसा सवाल पूछ रहे हो जेठालाल, मैं तुम्हारे गांव क्यों जाऊंगा, मैं अपने ही गांव जाऊंगा ना, वहां मेरा पुश्तैनी घर है, वहां रहूंगा। खाएंगे क्या? खेत है वहां पे, उगाऊंगा और खाऊंगा। वो बराबर है, लेकिन जब तक अनाज उगता है तब तक क्या खाएंगे, क्योंकि अनाज ऐसे वो इंटेस्टाइन तो उगेगा नहीं। अरे यार इंटेस्टाइन नहीं, इंस्टेंट। वो एकदम तुरंत तो उगेगा नहीं, तब तक तो कुछ खाना पड़ेगा ना, महीनों लगते हैं अनाज को उगने में, तब तक क्या खाएंगे आप? जेठालाल भूखा नहीं मरूंगा मैं, गांव के लोगों की आत्मा अभी तक जिंदा है, वो किसी को भूखा सोने नहीं देते। तो किसी का उपवास हो तो? बेवकूफी की बात मत करो जेठालाल, जिंदा है गांव में आत्मा लोगों की, अभी तक आदमी को आदमी समझते हैं वो लोग, किसी को भूखा सोने नहीं देते, मुझे भी भूखा सोने नहीं देंगे, जो चाहूंगा वो खिलाएंगे, जैसा चाहूंगा खिलाएंगे, गांव है वो मेरा। मुनव्वर राणा साहब ने खूब कहा है कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते, ऐसा गांव, उस गांव में जाकर रहूंगा भी और खाऊंगा भी। देखिए मेहता साहब, टणी में आके गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूं ना वो ठंडे दिमाग से शांति से सुनिए। मोबाइल कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, बिना चार्जर के वो किसी काम का नहीं है, और चार्जर की बिना मोबाइल के कोई अहमियत है ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं, हाँ वो थोड़ा ऐसा नहीं, एक 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 देखिए मेरे, हाँ बराबर मेरी बात सुनिए, मोबाइल और चार्जर दोनों अगर साथ में है तो दोनों की अहमियत है, दोनों अगर साथ में नहीं अलग अलग है तो दोनों की अहमियत नहीं है, और दोनों को जोड़ने वाली बिजली नहीं हो तो। यार अपना यार बात को समझ नहीं रहे मेहता साहब, तो समझाओ भाई जेठालाल। एक मिनट अंजलि भाभी जरा आइए मेरे साथ। कहाँ? एक मिनट आइए तो। अरे पर अरे एक मिनट, अरे कहाँ जा रहे आप? नहीं यहीं पे अंजलि भाभी, यहीं पे, कहीं जा नहीं रहे। मेहता साहब आपको दीवार वाले बगावती अमिताभ बच्चन जी वाला रवैया छोड़ दीजिए कि आज एक और मजदूर हफ्ता नहीं देगा, क्योंकि वैसा रवैया रखेंगे ना तो आप बागबान वाला अमिताभ बच्चन बन जाएंगे और घर घर भटकना पड़ेगा, इससे अच्छा आप वो कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन बन जाइए, अंजलि भाभी को जिता दीजिए और उनकी और अपनी जिंदगी में खुशियां लाइए। देखो अंजलि, जीवन साथी होने का मतलब सिर्फ साथ रहने ही नहीं, जीवन साथी होने का मतलब है कि हर सुख बराबर, हर दुख बराबर, हर कदम पे साथ चलना और क्षण साथ साथ जीना, इसलिए अंजलि हर चीज पे हम दोनों का बराबर का हक, बराबर का अधिकार। आपके कहने का मतलब है मेरी साड़ी ड्रेसेस और गहने भी आपको पहनने? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अंजलि, मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज पे हम दोनों का बराबर का हक है, इसलिए इस घर में क्या खाया जाएगा क्या पिया जाएगा उसका फैसला भी दोनों का बराबर होना चाहिए, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी है। बिल्कुल नहीं, घर में खाने का फैसला तो मैं ही करूंगी। ये तो सरासर तानाशाही है अंजलि। वो आप जो भी कहो, घर के खाने का फैसला तो मैं ही करूंगी, बाकी सब चीजों का फैसला आप कर दीजिए। बाकी सारे फैसले तुम कर लो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन घर में खाना पीना क्या होगा इस फैसले का अधिकार मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। एक मिनट, मैं तो सब अंजलि भाभी मैं क्या कहता हूँ, हम लोग एक छोटा सा भाग्य का खेल खेले। भाग्य का खेल मतलब? भाग्य का खेल क्या है, मैं कुछ चार पांच चिट्ठियां बनाता हूँ, कुछ चिट्ठियों में लिखूंगा डाइटिंग हाँ, कुछ में लिखूंगा डाइटिंग ना, उसमें से आप एक चिट्ठी चुनना, तो उसमें अगर डाइटिंग ना आया तो छुटकारा, अगर हाँ आया तो भुगतारा।
क्या कहता हूँ मेहता साहब? इनकारा, मैं नहीं लूंगा ये भाग्य का सहारा। नहीं नहीं जेठा भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जानती हूँ भाग्य हमेशा सही का साथ देता है, तो मैं ये गेम खेलने को तैयार हूँ, मैं नहीं डरती। मैं तैयार नहीं हूँ। अरे मेहता साहब भाई, थोड़ा तो भाग्य पे भरोसा रखो। मैं अपने शुभ हाथों से अच्छे अक्षर से चिट्ठी बनाऊंगा तो मजा आएगा खेलने का। ठीक है जेठला, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो कोशिश करके देखते हैं। और वैसे भी ऊपर वाला मजलूम का साथ देता है। मजलूम? मजलूम जिस पे जुल्म हुआ हो, जो पीड़ित हो। ओ अच्छा अच्छा, अनली भाभी दिलाइए कागज और पेन दीजिए, मैं चिट्ठी बना देता हूँ। नहीं, चिट्ठी तो मैं ही बनाऊँ। मैं बनाता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे बनाने आती है चिट्ठी। कैसी बात कर रहे हैं अंजलि भाभी, वो तो आता ही होगा ना, चिट्ठी बनाने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी मैं आया हूँ तो मैं बना देता हूँ ना, कुछ तो काम करूँ। सॉरी जेठा भाई, पर चिट्ठी तो मैं ही बनाऊंगी। अंजलि भाभी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है? और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है अंजलि, अगर तुम चिट्ठी बनाओगी तो सब में डायट हाँ ही लिखोगी। तब क्या करे, अंजलि भाभी को मुझ पे भरोसा नहीं है, आपको अंजलि भाभी पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन अंजलि भाभी आपको चिट्ठी बनाने नहीं देंगे। एक काम करो, सोसाइटी में से किसी को पकड़ के लेके आऊं चिट्ठी बनाने के लिए। अरे नहीं नहीं, बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं चिट्ठी सबके सामने बनाऊं। अब तो भाग्य पे ही भरोसा रखना पड़ेगा मेहता साहब। मरवा दिया जेठालाल। ये लीजिए। वाह, चिट्ठियां तैयार। चिट्ठी देख के तो हम याद आ गए। अबे कौन उठाएगा चिट्ठी, आपको ऐतराज ना हो तो मैं उठाऊं? हाँ ठीक है। क्या लिखा है? देता है। पर वो मेरा भाग्य नहीं है अंजलि, वो जेठालाल का भाग्य है। चिट्ठी जेठालाल ने उठाई है, उसका भाग्य है। अरे ये क्या बात हुई, इन्होंने तो आप ही की तरफ से चिट्ठी उठाई है ना, इनको थोड़ी राइटिंग करनी है। जेठा भाई आपको डाइटिंग करनी है। नहीं नहीं क्यों, नहीं मैं क्यों डाइटिंग करूं, प्लीज ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। फिर चिट्ठी तो इन्होंने आप ही के लिए उठाई थी। नो 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 अंजलि, नॉट एट ऑल। Did he ask me that he'll pick up the chit? No. Did I tell him that you do this? No. It was absolutely his decision. He did it himself, and his decision cannot decide my fate. क्या बोल रहे मेहता साहब? अरे यही कह रहे हैं कि चिट्ठी आपने उठाई है तो ये नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, मैं अपना भाग्य खुद उठाऊंगा। तो ठीक है, आप उठाइए चिट्ठी। Of course. ठीक है, आप भी उठा लीजिए। दोस्तों, जीवन में सभी को बदलाव चाहिए, बदलाव बेहद आवश्यक है, और इन दिनों तो बदलाव बेहद जरूरी भी है। सभी को काम धंधे में बढ़ोतरी चाहिए, अपनों से मेल मिलाप चाहिए, जीवन में खुशियां चाहिए, वैक्सीन चाहिए, कोरोना से मुक्ति चाहिए। लेकिन मुझे दोस्तों इस करेले से मुक्ति चाहिए, काढ़े से मुक्ति चाहिए, डाइट फूड से मुक्ति चाहिए, ग्रीन टी से मुक्ति चाहिए। पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन लेकिन शायद मिल सकती है, अभी ये मौका है। अब ये सब कुछ निर्भर करता है उस चिट्ठी पे जो जेठालाल ने निकाली है। अगर उस चिट्ठी में नो डाइट लिखा हुआ आ गया तो शायद मेरे जीवन में पकवान का आगमन हो जाए, पर क्या ऐसा होगा? पर अगर नो डाइट लिखा हुआ भी आ गया तो क्या अंजलि मानेगी? और कहीं डाइट लिखा हुआ तो नहीं आएगा? पता नहीं क्या होगा। नो डाइट, डाइट, नो डाइट, डाइट छोड़िए ना, कुछ भी हो, लेकिन आपकी ये जो हंसी की फ्लाइट है ये उड़ती रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और मेरे लिए दुआ कीजिए मुक्ति मिल जाए इस कोरोना से, नहीं करेले से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।